हाँ, नेट ऑफ कर सकते हो, नेट अब ये कंज्यूम नहीं करेगा। नेट कंजम्पशन केवल इसको कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। अच्छा, कितने तरीके के डेटा टाइप बताए हैं? अगर हमने डेटा टाइप की बात करते हैं तो हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात नहीं की मैंने अभी, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और अगर मैं नॉन प्रिमिटिव की बात करता हूँ तो वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्रिमिटिव की बात करता हूँ तो कितने हैं? आठ। ठीक है, अगर मैं प्रिमिटिव की बात करता हूँ तो वो कितने हैं? केवल और केवल आठ। तो आठ जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो किस तरह से हैं, जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बताएगा। ऋषिकेश बोलेगा, अच्छा ऋषिकेश नाम है, ऋषि नाम है, हाँ ऋषि। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट कैट डबल बोलिए। ठीक है, तो आप ही के अकॉर्डिंग चलते हैं। इन सब चीज़ों को मैं क्लोज कर देता हूँ, पूरा स्पेस दिखने का लगेगा आपको। तो हमारे पास क्या क्या है भाई? बाइट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शॉर्ट एंड ऑफ। एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी है सब में, हाँ बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग कैर डबल फ्लोट बुलियन। लॉन्ग फिर दोबारा, और ये बताओ ये इसी सीक्वेंस में होते हैं? अगर मैं कहूँ आपसे बढ़ते हुए क्रम में बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हाँ बाइट के बाद क्या आएगा? शॉर्ट, शॉर्ट के बाद आएगा इंट, इंट के बाद आएगा लॉन्ग, लॉन्ग के बाद आएगा आपका फ्लोट। तो ये वाला सीक्वेंस आपका गड़बड़ हुआ। नहीं 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 नहीं, हाँ वो बोल सकते हो, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से अगर बोलेंगे। प्लॉट और डबल एक साथ कैसे आ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, अगर उस तरह से देखोगे, लेकिन हमने कैटेगराइज करना है, न्यूमेरिक अलग और कैरेक्टर वाले अलग। हालांकि अगर देखा जाए तो इसको हमने बांटा है कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं प्रीमिटिव डेटा टाइप की बात करता हूँ, ये हमारे पास हैं आठ, कितने हैं? आठ। ठीक, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, ठीक, तो कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, वन और टू और चलो बात करते हैं आगे। इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स। तो हमारे पास है भाई न्यूमेरिक, पहला क्या? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगर मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करता हूँ तो न्यूमेरिक डेटा टाइप भी अपने आप में क्या कहता है कि मैं भी दो पार्ट में बटा हुआ हूँ। न्यूमेरिक डेटा टाइप भी कहता है कि मैं भी दो पार्ट में बटा हूँ। वो दो पार्ट क्या हैं? आगे बात करते हैं। ये सब आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अब आप देखो प्रोग्रामर डिवेलप मतलब सॉरी फ्रेमवर्क डिवेलपर तो हो ही बनी जाओगे। ठीक, तो अगर इतना याद नहीं रहेगा तो फिर बेनिफिट क्या है? ठीक है, क्या है? एक इसका पहला पार्ट है इंटीग्रल,
इंटीग्रल क्या होता है, जो आपके होल नंबर, इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होते, दशमलव वाले नंबर नहीं होते, ठीक। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, उन्हें अभी लिखने वाले हैं। पहले इसका दूसरा पार्ट भी लिख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या कहता है, हाँ, रियल नंबर जो हमारे पॉइंट्स में होते हैं, है ना, जैसे 1.36 या और लंबी वैल्यू चाहिए 1.36789848, है ना, तो ये सारे फ्लोटिंग वाले होते हैं, ठीक। इनके बारे में भी लिखेंगे। अब आती है दूसरी टाइप की कैटेगरी। दूसरी टाइप की कैटेगरी कहती है हमसे कि कैर है। दूसरी टाइप की कहती है कैर, ठीक, जो कैरेक्टर प्रेजेंट करता है, जो क्या प्रेजेंट करता है, कैरेक्टर, ठीक, ठीक है। अब आती है तीसरी टाइप की। तीसरी हमारी क्या होती है, बुलियन। तो यानी कि अब आपके पास सारे तीनों कैटेगरी दिख गई, बुलियन भी दिख गई, फिर न्यूमेरिक भी दिख गई और कैरेक्टर भी दिख गई, ठीक। कैरेक्टर करता है टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, न्यूमेरिक करता है टू रिप्रेजेंट इंटीग्रल पार्ट यानी कि इंटीजर पार्ट, और इंटीजर पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा, एक तो आपका होल नंबर यानी कि, और एक रियल नंबर। हाँ, बुलियन करता है केवल दो ही नंबर, लॉजिकल वैल्यू। बुलियन करता है हमारा ट्रू और फॉल्स, ठीक। बुलियन हमारा करता है क्या, ट्रू और फॉल्स। बुलियन के पास है केवल क्या, ट्रू और फॉल्स, यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशन पे बेस्ड होगा। मैंने कंडीशन अगर अपनी क्लास के अंदर बात करता हूँ, क्या मेरी क्लास भरी है, अब देखो इसके दो ही जवाब हो सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा खाली है, मैंने सिर्फ पूछा है क्या मेरी क्लास भरी है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, भरी तो है। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, मैंने एक ग्लास में आधा पानी डाला है और आपसे पूछा कि ग्लास कैसा दिखता है, तो आप क्या कहोगे। कुछ लोग जो पॉजिटिव थॉट रखते हैं वो कहेंगे ग्लास आधा पानी से भरा है, और जो नेगेटिव रखते हैं वो कहेंगे आधा खाली है। उन्होंने नेगेटिव वाला ही पार्ट देखा, सिर्फ खाली वाला देखा, भरा वाला भी तो देखो। एग्जैक्ट बताना है तो ऐसा कहो ना कि आधा भरा है और आधा खाली है, ठीक है। क्लास हमारी भरी है या खाली है, भरी है। अगर मैं कहता हूँ कि क्या मेरी क्लास खाली है, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। अगर मैं कहता हूँ कि अभिषेक ने क्या रेड शर्ट पहनी है, फॉल्स है, कंडीशन के बेस पे है। अगर मैं कहता हूँ मेरी क्लास के अंदर 5 लाइट्स जल रही हैं इस टाइम, फॉल्स है। मैं अगर अपनी क्लास के अंदर कहता हूँ 4 फैंस ऑन हैं, तो वो ट्रू है। तो कंडीशन पूछ रहा हूँ और फिर उसके बाद में जवाब सिर्फ दो ही निकल के आएंगे, फॉल्स या ट्रू। हम इस क्लास के अंदर श्याम पट पर पढ़ते हैं, ये फॉल्स है या ट्रू, ये फॉल्स है। हम श्याम पट पे नहीं पढ़ते, हम श्वेत पट पे पढ़ते हैं। चलो इसकी टाइप्स लिख लेते हैं, बाइट और क्या है, शॉर्ट और क्या है, एंड और क्या है, लॉन्ग। अगर मैं फ्लोट की बात करता हूँ तो फ्लोट क्या कहता है खुद अपने आप में, एक तो मेरे पास है फ्लोट और एक क्या कहता है वो, डबल। अगर मैं कैर की बात करता हूँ तो वो क्या कहता है, कैर है उसके पास बस। अगर मैं बुलियन की बात करता हूँ तो उसके पास क्या है, बुलियन है। वैल्यू वही ट्रू और फॉल्स हो सकती है इसकी, ये लोग वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है, 8 तरीके के डेटा टाइप आ गए समझ में। अब ये 8 क्यों बने हुए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बाइट की, तो बाइट का जो साइज़ है, इसको हेडर लगा देते हैं, हेडिंग दे देते हैं अंडरलाइन के साथ,
जब कभी भी हमें वर्ड पे कुछ भी अंडरलाइन लगानी होती है तो उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल यू करते हैं, ठीक, कंट्रोल यू, ठीक है, और बोल्ड करना होता है तो कंट्रोल बी, देखो बी करूँगा, कंट्रोल दबाए रखूँगा और बी दबा दूँगा, तो देखो बोल्ड अनबोल्ड हो गया और ऐसे बोल्ड हो गया, ठीक है। ये सारी बातें तो आपकी किसी दिन वर्ड की क्लास ले लूँगा तो बता दूँगा, ठीक है। वो बाइट, बाइट हमारा साइज़ क्या लेता है जी, बाइट लेता है वन बाइट, और वन बाइट में कितनी बिट होती हैं, आठ बिट, एट बिट्स होती हैं, ठीक। और ये बिट क्या होती है, बिट क्या होता है, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट सबसे छोटी इकाई है। और बिट क्या क्या हो सकती है हमारे पास, बाइनरी डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं, सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन सी, जीरो और वन, ठीक है। तो इसका साइज है एट बाइट, ठीक, वन बाइट, और वन बाइट को कहा जाता है एट बिट, यानी कि आठ बिट मिलके क्या बनता है, एक बाइट बनता है, ठीक। और इसके अंदर सेव की जा सकने वाली मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस का 127 मान लो, हाँ प्लस का 127, और जो मिनिमम होगी, मिनिमम जो होगी वो माइनस का 128। हमेशा माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से एक ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना। पीछे समझ में आ रहा है सत्यम, अर्जुन, राहुल, सॉरी रोहित, आ रहा है समझ में, नींद तो नहीं आ रही, पक्का, ठीक है। नीलम समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज की, देखो रेंज अलग चीज़ होती है, रेंज अलग चीज़ होती है, और जो साइज़ है वो अलग चीज़ होता है, दोनों को एक मत मान लेना, रेंज अलग है साइज़ अलग है। अगर मैं रेंज करता हूँ तो इसकी बात करते हैं, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, दो की पावर टू की, अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो टू की पावर सेवन और माइनस वन, एक कम हो जाएगा ना, दो की पावर सात करके देखते हैं, दो चार आठ सोलह बत्तीस चौंसठ 128 हो गया ना, दो की पावर सात मतलब 128। और जो ये 128 वाली वैल्यू है ना, ये आपकी माइनस वाली है, ये रेंज है इसकी, ठीक है, रेंज टू की पावर में लिखेंगे हम, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो बाइट में ही मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बाइट कुछ भी वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, आइडेंटिफायर तो कर चुके हैं ना, ए बी सी कुछ भी ले लो आप, चाहे बी ले लो चाहे ए ले लो, ठीक है, जो मर्जी ले लो। इसके अंदर अगर मैं डाल रहा हूँ 130 तो ये सही है, एरर है, 130 इसके अंदर आ ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है, 127। चलो मैंने इससे कहा कि नहीं भाई आप इसके अंदर 126 डाल दो, क्या ये सही है, हाँ। अगर मैंने इससे कहा माइनस का 136 डाल दो तो क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर मैंने इससे कहा आप कैरेक्टर डालने की कोशिश, चलो स्ट्रिंग डालने की कोशिश करो, टाइप मिसमैच हो जाएगा। ये कोड क्या बता रहे हैं कि हम केवल स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में जाएंगे, और ये है क्या, बाइट, एरर आ जाएगी। तो बाइट में केवल बाइट वाली ही चीज़ जाएंगी, और वो भी सिर्फ उतनी जितनी की उसकी रेंज है, जितनी उसकी रेंज है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इशू, अगर मैं बाइट में ट्रू डालने की कोशिश करूँ जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, अगर मैं बाइट में रोहन डालने की कोशिश करूँ जाएगा, नहीं जाएगा, अगर मैं बाइट में 10 डालने की कोशिश करूँ जाएगा, वेरी गुड, हाँ ठीक, बाइट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए।
बाइट के बाद हम बात करते हैं अगर शॉर्ट है हमारे पास, शॉर्ट शॉर्ट हमारा कितना लेता है, जैसे वो एक वन बाइट ले रहा था वो टू बाइट ले रहा है, और टू बाइट मतलब 16 बिट्स लेगा, 8 × 16 ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, वैसे बस 8 1 बाइट का 1 बिट होता है, इतना याद रख लो वो बहुत है। ठीक, इसकी मैक्सिमम रेंज देखते हैं, मैक्सिमम रेंज 32,000। देखो अगर मैं प्लस की बात, हाँ अगर मैं प्लस की बात करता हूँ तो 32,767, अगर मैं बात माइनस की बात करता हूँ 32,767 प्लस की अगर मैं बात करता हूँ, माइनस की बात करते हैं तो अगर हम तो 32,768, और अगर रेंज की बात करते हैं तो 2 की पावर 7 नहीं रहेगा, अब वहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ भी 15, एक माइनस रहेगा ही रहेगा। अगर मैंने इसके वैल्यू की बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर मान लो इसका वेरिएबल का नाम भी ऐसे रख देते हैं या जो भी रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे ही कर रखा है, तो क्या कोई एरर आने वाली है, कोई एरर आएगी नहीं आएगी। अगर मैंने इसके अंदर ट्रू डाल दिया एरर आएगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रू को पहचानता नहीं है, शॉर्ट में केवल शॉर्ट वाली चीज जाएगी, यानी कि 32,767 से माइनस के 32,768 तक। अगर मैंने इसके अंदर माइनस के 32,768 डाल दिया तो क्या कोई एरर आएगी, नहीं आएगी। मान लो 32,768 की जगह 70 डाल दिया तो आएगी, क्यों, क्योंकि रेंज से बाहर जा रहे हैं हम, रेंज से बाहर जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये दो दो क्यों, बाइट को हटा दिया होता जब शॉर्ट से काम चल रहा है, छोटी वैल्यू का भी बड़ी वैल्यू का भी बाइट को हटा दिया होता। मेमोरी होती है बहुत कॉस्टली, जो मेमोरी होती है बहुत महंगी होती है, आप ही देख लो जब आप कंप्यूटर खरीद रहे थे आपने मात्र 256 SSD खरीदी थी, है ना, 256 SSD खरीदी थी, आपका मन कर रहा होगा जी 256 नहीं 512 हो, पैसा बढ़ गया ना, वही मेमोरी बहुत महंगी होती है। मान लो हम बच्चे का खिलौना बना रहे हैं 10 रुपये का, टिक टॉक बस ऑन ऑफ, जिसके अंदर बिट चलती है, 0 आया ऑफ 1 आया ऑन, 0 आया ऑफ 1 आया ऑन, उसके अंदर हम रैम लगा दे रहे हैं 512 रुपये की, 10 रुपये का खिलौना है 512 रुपये की रैम लगा दे रहे हैं, खिलौना बिकेगा नहीं। वही वही हमें जब काम लेना है बिट से तो बिट को यूज़ कर लो ना, हमें काम लेना है बाइट से उतनी मेमोरी लगा के काम निकाल लो ना। मान लो मैं 50 रुपये का कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, अब कैलकुलेटर के अंदर सिर्फ मैं इतनी रेंज का काम कराना चाहता हूँ 32,768 तक की रेंज तक का, ठीक, पर मैं उसके अंदर लगा दे रहा हूँ क्या लॉन्ग वाली चिप्स, जो लॉन्ग को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती होंगी, महंगी आएंगी ना वो, तो मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग टाइप बना रखी हैं। आ रहे समझ में, ठीक है आगे बढ़े। शॉर्ट का कुछ एग्जाम्पल और दूँ, दिया है एक तो दिया है, अगर मान लो इसे मैं पॉजिटिव में रखता हूँ तो तब भी एरर है, क्योंकि रेंज तो उसकी पॉजिटिव में 32,767 तक ही थी, हम डाल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। मान लो मैं इसके अंदर 0 डालता हूँ तब कोई एरर आएगी, कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि 32,767 में 0 इंक्लूड है, 0 उसमें इंक्लूड है, कोई एरर नहीं आने वाली। शॉर्ट की बात समझ में आई आपको, शॉर्ट तक क्लियर है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकने वाला डेटा टाइप है आपका इंट, इंट की साइज़ कितनी होती है 4 बाइट। अगर मैं बिट की बात करता हूँ तो इंट में कितने बिट होंगे, इंट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 होते हैं, और इंटीजर कितने बाइट का है, तो 4 बाइट का है, तो 1 में 8 होते हैं, 4 में कितने होंगे, 1 भी नहीं होगा, कितने होंगे, 1 में 8 बिट होते हैं तो 4 में कितने बिट होंगे, 64, फिर 128, 50 होंगे, कुछ भी डाल दो उतने हो जाएंगे, नहीं आ रहा आपका ध्यान, यहाँ नहीं है लक्ष्मी आप बताओ, देखो वो सीख रही है, मैंने सुना था
क्या? एन एप्पल कैन चेंज इट्स कलर विद एन एप्पल. खरबूजा खरबूजे को देख के कलर बदलता है ना. आप इसे पास पास बैठे हो, सीखो थोड़ा सा. ठीक, रेंज क्या है? हाँ, इतनी बड़ी रेंज याद करने की, सॉरी, मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेंज आपसे कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन हाँ, इतना याद कर लो, इसका डबल करके प्लस वन कर देना. जैसे 7 × 14 और 1 × 15 करा था ना इसको, ऐसे ही से 15 × 30 और 1 31 कर दो. ये याद रहना चाहिए आपको, 15 × 30 और 1 31, ये आपकी ठीक रह जाएगी. अगर मान लो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ध्यान से किसी से भी पूछा जा सकता है, int s is equal to 10. नीलम कोई एरर है? क्यों, उसमें रेंज तो इतनी सारी है, हम वैल्यू इतनी छोटी सी डाल रहे हैं, एरर नहीं आएगी? बताओ. चलो अच्छा, 10 की जगह मैं 1 डाल दूं तो एरर है? अब क्या एरर है? कुछ भी डाल सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी डाल सकते हो. कितने बार सिखाऊं? अभी अभी तो बताया. बस उसकी रेंज सबसे ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, कम से कम तो कुछ भी डाल सकते हो. ठीक, कम से कम कुछ भी डाल सकते हो, पर उसकी जितनी रेंज होगी, ये रेंज नहीं है इंट की, 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 3, 6, 4, 8, 7 तक. हाँ, 8 वाले तो माइनस में जाएगी वैल्यू. ठीक, और ये वैल्यू आपकी जाएगी माइनस में. ठीक, ये है. अगर मैं इतनी बड़ी वैल्यू डाल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन नीलम अगर मैं इससे एक भी ज़्यादा डालूँगा उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अलाउ नहीं करेगा, कहेगा मेरी उतनी ही रेंज है. इसे ठीक ऐसे ही मान के चलो, मेरे पास 1 लीटर का कैन है, उसमें 1 लीटर डाल दिया, पर मैं सोच रहा हूँ 100 ग्राम दूध और बचा है, इसे भी डाल देते हैं, क्या जा पाएगा? ऐसे बड़ी जल्दी समझ में आता है? ठीक है, नंबरों से समझ में नहीं आता. क्लियर है? आगे की बात करें, अगर मुझे इससे भी लंबी वैल्यू डालनी है तो क्या करें जी? मेरे पास है एक और लॉन्ग. लॉन्ग कितना लेता है? 8 बाइट. अगर लॉन्ग 8 बाइट लेता है तो पूजा बिट कितने आएंगे इसके अंदर? पक्का? वेरी गुड. ठीक, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हम कोई याद नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ. हम सिर्फ क्या करेंगे, 31 का डबल करेंगे. और 31 का डबल क्या होता है? 62 होता है ना, और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 63. यानी कि 2 की पावर 63 और 2 की पावर 63 -1. ये हमने ऐसे किया है, ऐसे नहीं किया, कभी सोच रहे हो ऊपर ही ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस हुआ है. सिर्फ 1 कम करना है, पावर में से 1 कम कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा. हाँ, वैल्यू में से कम करना है. देखो दोनों में बहुत फर्क है, अगर नहीं है आ रहा समझ में तो देखो, इसी को अभी मैं ऐसे करता हूँ, 2 की पावर 4 -1 करते हैं ये, और 2 की पावर 4 -1 करते हैं, दोनों की वैल्यू पता है क्या क्या आएंगी? देखो, इज इक्वल टू 2, 4, 8, इसकी वैल्यू तो आएगी 8. ठीक, और इसकी वैल्यू पता है क्या आएगी? 2, 4, 8, 16. 16 - 1 इज इक्वल टू 15. ठीक, और उसका क्या आया था मालूम है? उसका करा हमने इसको ऐसे, कहाँ गया, इसको हमने करा था ऐसे, 2 की पावर 4 - 1, मतलब इसको ऐसे किया होगा, 2 की पावर 4 - 1 कितना होता है? 3. तो दोनों में बहुत फ़र्क है, नीचे ऊपर में ध्यान रखना, ये कहाँ पे लगना है माइनस वन. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? लॉन्ग, लॉन्ग की साइज कितनी बताई हमने? 8 बाइट. रेंज पता चल गई. अब लॉन्ग को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं.
लॉन्ग, लॉन्ग को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक। इसके अंदर इतनी वैल्यू जा सकती है या नहीं जा सकती? भाई उससे कम वैल्यू तो जा ही सकती है, ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं जा सकती। किससे? 2 की पावर 63 - 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती। लेकिन क्या मैं इसके अंदर ऐसी वाली वैल्यू डाल सकता हूँ? क्या मैं इसमें ऐसी वाली वैल्यू डाल सकता हूँ, पॉइंट वाली वैल्यू? नहीं, लॉन्ग में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं जाएगी। तो चारों इंटीग्रल पार्ट के जो आपके होल नंबर वाले हैं, कंप्लीट नंबर वाले हैं, वो आ गए। अब आते हैं रियल नंबर की बात करते हैं, ठीक। क्या है नेक्स्ट हमारे पास? अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो फ्लोट, फ्लोट कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। इसकी रेंज वेंज वो मैक्सिमम वैल्यू छोड़ो, रेंज निकाल लेते हैं। इसकी रेंज कितनी मान के चलें? पॉइंट में है, पॉइंट में है तो मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मानेगा वो, पहले वाली को तो अपने बाइट के अकॉर्डिंग करेगा ही, पर जो हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के, मान लो वन के पॉइंट, सॉरी माइनस वन पॉइंट के बाद, इसके बाद क्या क्या आ सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी पॉइंट में कितनी वैल्यू आ सकती है। पॉइंट में कितनी आ सकती है? कितनी आ सकती है? 4 की 4 और एक्सपोनेंट इसकी पावर अगर हम लगाएंगे 38 तक आ सकती है। एक्सपोनेंट 10 की पावर मान के चलते हैं हम, ई जो है इसको हम 10 की पावर मान के चलते हैं। जिन बच्चों ने हाई स्कूल में अगर मैथ पढ़ा होगा 10वीं क्लास में और अभी तक याद रहा होगा तो उन्हें पता होगा इस ई का मतलब क्या होता है। 10वीं में ही नहीं, 8वीं क्लास में भी हुआ करता था। वेरी गुड, 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा। हाँ ठीक है। और अगर मैं माइनस में इसकी बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? रेंज वेंज वैसे कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता, वो सिर्फ आपको लिखवा रहा हूँ। अगर मैं माइनस में पूछता हूँ तो 1 पॉइंट क्या करूँ, प्लस में करते हैं तो ये तो यहाँ से लेके 2 तक 1.4 ई की पावर बस 38 और 1 कम कर देंगे बस। समझ में आ रहा है? इसकी इतनी रेंज है पॉइंट तक की, ठीक, क्लियर है। आगे बात करते हैं फ्लोट की, बात करते हैं फ्लोट के बाद आगे आपका डबल। डबल का क्या है साइज? 8 बाइट। रेंज भी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक, इसकी रेंज बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी लगभग? लेकिन आप बताइए ये फ्लोट में पॉइंट में दो दो देने की क्या जरूरत आन पड़ी? पॉइंट में दो दो डेटा टाइप देने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या जावा लिखने वाले बेवकूफ हो गए थे या उन्हें याद नहीं रहा था? एक छोटी रेंज के लिए, एक हाई रेंज के लिए। अगर हम पैसों की बात करते हैं, रुपए पैसों की, तो पॉइंट के बाद 2 दशमलव तक बात चल जाएगी, चल जाएगा काम। लेकिन सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने सेकंड में आता है, उसमें क्या दो पॉइंट तक बात चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मिसाइल को लॉन्च होने में कितने नैनो सेकंड लगते हैं, क्या उसमें सेकंडों में बात कर सकते हैं हम? नहीं। मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, क्या हम उसे सेकंड्स में बात कर सकते हैं? नहीं, नैनो सेकंड्स में बात करेंगे, वो सेकंड का भी हजारवां हिस्सा होता है, ठीक है। तो वहाँ पॉइंट में लंबी लंबी वैल्यू चलेंगी, उसके लिए आपका क्या आया? डबल। जब आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट चाहिए होता है, फ्लोट से काम चल ही नहीं पा रहा, क्लियर है, उसके लिए आपके पास आता है क्या? डबल। डबल के बाद आ गया आपके पास क्या? सारा क्यों हो रहा है भाई? फ्लोट के बाद आपके पास आता है क्या? कैर ले लो, या बुलियन ले लो, जो आपको लेना है, ठीक है, कैर ले लेते हैं, ठीक। कैर, कैर हमारा लेता है 256 कैरेक्टर्स। कितने लेता है कैरेक्टर्स? 256 कैरेक्टर्स। और कैर कितने बाइट का होता है? कैर कितने बाइट का होता है? 2 बाइट्स का होता है। लिखते हैं इसको भी, 2 बाइट्स का होता है कैर, 2 बाइट्स का हो गया, ठीक। और 256 कैरेक्टर्स लेता है। अगर मैं 257 लिखूंगा इसके अंदर, मान लो मैंने ऐसे की जगह ऐसे कर दिया,
स्क्वायर एस इज इक्वल टू 257। कोई एरर आएगी क्या? नहीं आएगी। कैरेक्टर एक साइकिल बना लेता है, 256 के बाद एक भी बढ़ गया तो सबसे पहले जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसे ले आएगा। हाँ, वो उसे राउंड करके उसी वैल्यू को ले आएगा, चाहे उसमें 256 डालूँ 257 डालूँ, वो राउंड करके उतनी ही वैल्यू ले आएगा। क्लियर है? जैसे कि मैं अगर आपसे बात करता हूँ, विंडो आर नॉट बैड, कैर की बात करते हैं हम अगर, तो वन प्रेस किया तो ये आया, जीरो प्रेस किया कुछ नहीं आया, टू प्रेस किया ऐसे आया, थ्री आया ये, चौथे पे ये पड़ा होगा, पांचवे पे ये, छठे पे ये, सातवें पे कुछ ऐसा, आठवें पे कुछ ऐसा, ऐसे करके देखो 254 वगैरह मैं जितने भी करता हूँ, 254 नहीं आ रहा, क्या हुआ, हैंग हो गया क्या? दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, वो कैरेक्टर ही है जो हम कर रहे हैं। 254 पे ये मिला इसको, 256 पे ये काम क्यों नहीं कर रहा? मतलब हर एक कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ सिंबल छिपा है, बताने की मेरी ये इंटेंशन है, ये समझ में आ रहा है? तो जैसे ही उसकी साइकिल पूरी होगी तो फिर दोबारा नंबर वन पे पहुंच जाएगा, वहां से स्टार्ट करेगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू? ये जो कैरेक्टर होते हैं, इन हर एक कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ कोड होता है, उस कोड को हम कहते हैं क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या हो गया शॉर्ट फॉर्म में? ASCII कोड। ASCII कोड जो होता है वो न्यूमेरिक में होता है, यानी कि इंटीजर में होता है। ठीक, तब हम कैरेक्टर के अंदर अगर हम ऐसे भी करेंगे, भाई आप आ जाओ दो, ये ऐसे भी करेंगे तो उसे कोई आपत्ति नहीं, दो पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा वो समझ जाएगा यही होगा, अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ तब भी उसे कोई आपत्ति नहीं, तो ये दोनों ही काम कर जाएगा। क्लियर है? क्या अगर ये ऐसे करता है तो क्या मेरा इंटीजर भी ऐसे कर सकता था? हाँ, क्या मेरा इंटीजर भी ऐसे कर सकता था? इक्लिप्स ऑन है, हाथ के हाथ करके देख लेते हैं कि क्या ये क्या वो एरर क्यों आ रही है भाई? ठीक है, चलो आर वन को हम कर दे रहे हैं ए, ये तो कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसे पता है इस कैरेक्टर ए के पीछे कुछ ना कुछ ASCII कोड होगा और वो इंटीजर पार्ट में होता है और मैं खुद इंटीजर हूँ ही, जब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? हाँ, फ्लोट में करके देखो, तो फ्लोट के अंदर जरूरी थोड़ी है पॉइंट वाली वैल्यू रखना, फ्लोट मना थोड़ी करता है, फ्लोट मना करता है क्या? लेकिन अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है ये सारे आपके, मैं एक बार कमेंट कर दूं भाई, यहाँ तक मैंने आपके कमेंट कर दिए और बाकी इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक, बस हम आर वन को ही प्रिंट करके देखना चाहते हैं, सेव किया और रन किया, रन करते ही कंसोल पे देखते हैं क्या आया हमारा, 97.0। ये पॉइंट जीरो कहाँ से आया? फ्लोट की वजह से। पॉइंट जीरो कहाँ से आया? फ्लोट की वजह से। हाँ, अब देखो फ्लोट के साथ भी कुछ करके देखते हैं। फ्लोट कह रहा है मैं पॉइंट वाली वैल्यू लेता हूँ, हमने पॉइंट वाली वैल्यू डाली है तब भी नहीं ले रहा, लो चलो जीरो डाल दी तब भी नहीं ले रहा, क्योंकि जावा को बताया गया है, जब जावा लिखी जा रही थी जावा को बताया गया है जब कभी भी आपके पास पॉइंट की वैल्यू आए आप उसे डबल समझ जाना। क्या समझ जाना? डबल। तो क्या डबल फ्लोट में रखा जा सकता है? नहीं, उसकी रेंज ज़्यादा है उसकी रेंज कम है। तो देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डबल को फ्लोट में। बड़ा करके दिखाऊं? दिख रहा है? मैं पढ़ के बता देता हूँ,
मिसमैच कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, डबल को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, फ्लोट को डबल में किया जा सकता। अगर यही हमारा डबल होता और इसको हम फोर्सफुली फ्लोट कर देते, एफ करके फ्लोट कर देते, तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डबल तो बड़ा है ना, और बड़ा छोटे वैल्यू को ले सकता है, और डबल के लिए हम क्या लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो डी लगा सकते हैं या कैपिटल डी लगा सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जावा में एक चीज़ मैंने अभी आपको करके दिखाई है, डी और कैपिटल डी, एफ और कैपिटल एफ, एक जगह एक बार हमने कभी बताया था आपको जावा केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिविटी क्या भूल गया आपने यहाँ पर? ये अब ये स्मॉल एस और कैपिटल एस क्यों नहीं बता रहा अलग अलग? ये तो दोनों ही मान रहा है, स्मॉल भी और कैपिटल भी। ये देखो जावा की केस सेंसिटिविटी यहीं खत्म हो जाती है। दो जगह ऐसी हैं जहाँ केस सेंसिटिविटी नहीं है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर केस सेंसिटिविटी नहीं है, जैसे कि अभी मैंने ये दिखाया आपको। ठीक, अपवाद नहीं है, केस सेंसिटिविटी यहाँ काम नहीं करेगी, इसे अपवाद नहीं कहेंगे। नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर, वेयर इज द पॉइंट वेयर जावा इज नॉट ट्रीटेड एज केस सेंसिटिव लैंग्वेज? तो आप बता देंगे जब हम लिटरल लिख रहे होते हैं, ध्यान से लिटरल बताया था ना, जब हम लिटरल लिख रहे होते हैं तो लिटरल्स में जब हम उसे डिनोट कर रहे होते हैं एफ से फ्लोट, डी से डबल, एल से लॉन्ग बता रहे होते हैं ना उसको, तो तब हम चाहे स्मॉल एफ लिखें चाहे कैपिटल एफ, यहाँ उसकी केस सेंसिटिविटी फेल हो जाती है। ठीक, और एक जगह उसकी केस सेंसिटिविटी फेल हो जाती है, मैंने आपको हेक्साडेसिमल, डेसिमल ये सब कराया है ना, यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है? किसी भी नंबर से पहले अगर ज़ीरो लिखा है तो वो ऑक्टल कहलाएगा। अगर नहीं यकीन आ रहा तो इसे डबल मिटा के मैं इंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक, आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं 010? 010 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कंपाइलर इसे ऑक्टल समझ रहा है, पहली जीरो पाते ही उसे समझ गया ये ऑक्टल है, और ऑक्टल है तो ये 8 है, ऑक्टल है तो ये 8 है। देखें करके कैसे आया 8। चलो आपको आपकी शक्तियां याद दिलाते हैं, वही दिला रहा हूँ आपको आपकी शक्तियां याद। ठीक, कितनी बार आपको शक्तियां याद दिलाऊंगा अभी तो बीच बीच में। कंट्रोल प्लस नहीं चल रहा भाई इसमें आपका, कंट्रोल प्लस 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 चल गया। ठीक, नंबर था ये। ठीक, हमने इसको ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, बांट दिया। ठीक, अब इसके नीचे जैसे हम करते थे याद आ रहा होगा आपको, क्या करते थे, यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ मज़ा नहीं आएगा, वो सारी बातें लिखने में मज़ा हमारा यहाँ आएगा, यहीं करें 010 ये था। ठीक है, इसको हम कर देते थे डिवाइड, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस कर दिया करते थे, फिर हम क्या करते थे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, और क्या करते थे 8 की पावर 2। ठीक, और इन सबको क्या करते थे, इधर से स्टार्ट करते थे, इसका मल्टीप्लाई करते थे ना हम इसका, इससे पहले तो 8 की पावर 0 क्या होता है 1 निकलता है ना, 8 की पावर 0 क्या होता है 1 लिख दिया, और 8 की पावर 1 क्या होता है 8 लिख दिया, लिख देते हैं 8, और 8 की पावर 2 क्या होता है 64। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके प्लस किया जा सकता था, है ना, इस 1 की ऊपर वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ गया जी 0। फिर इनको प्लस करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर करते हैं, फिर 64 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आइस क्या आ गया, ये 8 आया। समझ में कैसे आया वो 8, वहाँ अभी जो हमने करके देखा एक्लिप्स पे, और जो आउटपुट आया 8, उसे समझ लिया ये ऑक्टल है। अच्छा, अभी तो ये ऑक्टल समझ रहा है, अगर मैं हटा दूँ अब क्या समझ रहा है,
डेसिमल, अब डेसिमल समझ रहा है, अभी ऑक्टल समझ रहा है, अब डेसिमल समझ रहा है। पर ऐसे कर दूं तो हेक्साडेसिमल समझ रहा है, क्या देगा आउटपुट? वेरी गुड, 16 देगा, क्योंकि अगर कन्वर्ट करें 010 को तो क्या आ जाएगा आपका, रन करके देख लो, आपको यकीन नहीं है तो आ जाएगा आपका 16। कंसोल आउटपुट देखिए, 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी केस सेंसिटिविटी फेल हो जाती है। देखो कैपिटल एक्स कर दिया ना, आ रहा है ना, और देखो, अच्छा चलो देखते हैं कितने लोग इस, अब दिमाग चलाते हैं, अब आते हैं असली चीज पे। इंट इंट एक्स इज इक्वल टू 0x, एक 0x और लिखें DA या DAD, बस डैड लिख देते हैं, डैड, ए लो जी डैड, तो क्या एरर आएगी? कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगी, क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या क्या होते थे हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, और ए का मतलब हुआ करता था 10 और बी का मतलब हुआ करता था 11, फिर 12, 13, 14 और 15। भूल गए क्या? देख लो अब आप, नहीं अगर आपको यकीन आ रहा भाई, इसको मैं ऐसे करके मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इसको एक्स। देखो कोई एरर नहीं आ रही, आ रही है कोई एरर? जैसे ही उसने एक्स पाया उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, और देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया होगा उसने, अब तक कर दिया ना, क्लियर है? तो केस सेंसिटिविटी लिटरल के डिक्लेरेशन में नहीं मतलब काम करती, जावा में केस सेंसिटिविटी डिक्लेरेशन ऑफ लिटरल्स वी आर नॉट सपोज टू डू। ओके क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा अगर मैं इसको, कहाँ गया मेरा वर्ड, ये रहा, इसका एक्स मिटा दूँ क्या कोई एरर आएगी? पक्का? क्या ऑक्टल में डीएडी होते हैं? ऑक्टल में क्या डीएडी कहाँ से आने लगे भाई, कब से आने लगे? जीरो से तो वो ऑक्टल मानेगा, और ऑक्टल में डी होता ही नहीं, ऑक्टल में ए होता ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो कि एरर नहीं आएगी? ऑक्टल में तो होते ही केवल 7 हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन मैं अगर इसके अंदर 8 डालूँगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 8 नंबर ऑक्टल में नहीं होता, बस 7 तक ही तो होते हैं, बताया ना था, उससे ज़्यादा डालोगे तो भाई उसे आपत्ति है। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ तक आपके हो गए सारे के सारे क्या? अच्छा एक बचता है अभी भी, बुलियन, बुलियन, बुलियन के पास अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो कोई रेंज नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कहोगे आप क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि भैया एप्लीकेबल इसलिए नहीं है, सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। क्या आपका सिस्टम 8 बिट का है तो इसकी साइज कम हो जाएगी, क्या आपका सिस्टम 16 बिट का है तो इसके ट्रू फॉल्स की साइज बढ़ जाएगी, क्या आपका सिस्टम 32 बिट का है, 32 बिट का है तो और बढ़ जाएगी। बिट कैसे चेक करते हैं, कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे चेक करते हैं, बताया था शुरू शुरू में, दिस पीसी में जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कहाँ गया दिस पीसी, नहीं दिख रहा, यही तो है शायद, इसके दिस पीसी को खोल लेते हैं और दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपका सेटिंग खुल जाएगा, सेटिंग के अंदर वो आपके सिस्टम का क्या बताएगा, कितने बिट का है, देखो 64 बिट का है, तो यानी कि ट्रू फॉल्स इसके अकॉर्डिंग तय होते हैं, इसलिए उसने कहा नॉट एप्लीकेबल। अगर सिस्टम 32 बिट का है तो उसके अकॉर्डिंग तय होंगे, अगर सिस्टम 16 बिट का है तो उसके अकॉर्डिंग तय होंगे, इसलिए, लेकिन हाँ वैल्यू हमेशा सबके पास एक सी रहेगी, चाहे 16 बिट का हो चाहे 32 बिट का हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास केवल दो ही वैल्यू होती हैं, क्या वैल्यू होती हैं,
ट्रू एंड फॉल्स, दो ही वैल्यू होती हैं, कौन कौन सी, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं उसके साइज की बात करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, अगर उसकी रेंज की बात करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, उसकी वैल्यूज की बात करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स, बस वही तो मैं बता रहा हूँ। सिस्टम पे डिपेंड करता है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है उसके अकॉर्डिंग लेगा वो। ठीक, मान लो मैं सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तब तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आपके सारे के सारे डेटा टाइप्स हो गए। अब मैं ऐसे करता हूँ, अगर इसको कैर कर देता हूँ और एक्स कर देता हूँ और इसको कुछ भी डाल देते हैं 97 ही डाल देते हैं और इस एक्स को प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा शकीर, क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा? 97 ही आ जाएगा। शकीर पढ़ नहीं रहे हो आप आजकल, कैरेक्टर नहीं बताया था क्या होता है 97 का, 97 का कैरेक्टर नहीं बताया था, पिछले पन्ने पलटो, अपनी शक्तियां याद करो। स्मॉल ए होता है और 65 की अगर मैं बात करूं तो शकीर क्या होता है, ये याद कराऊंगा बार बार, नहीं समझ में आ रहा। 65 पे ए का कोड है, भूल गए, पहले से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, एक दिन याद होगा आपको, मैंने आपको इससे रिलेटेड वो भी कराया था, डॉट टू कैरियर करके करा रहा था, लेकिन मैंने कहा था नहीं ये मत करना, बस आप सिर्फ ए बी सी डी प्रिंट करा के देख लेना फॉर लूप की हेल्प से, याद आ रहा है? फॉर लूप की हेल्प से ए बी सी डी ये कहा था ना यार, प्रिंट करा लेना, नहीं कराया किसी ने भी, नहीं हुआ, कराया था और बहुत हार्ड भी नहीं है। वाह, आप नहीं आएंगे तो मैं आपके घर आके बताऊं, कर लो। ये हुआ आपका कैरेक्टर, अभी मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये कहा था, अभी इसको मैं वो कर दे रहा हूँ कमेंट। देखो मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा था भाई, उतना सा काम आप नहीं कर पाए, कंट्रोल जेड मैं ये सारा मिटा दे रहा हूँ। एक अच्छा, आपका जैसा था कोड वैसा ही छोड़ देता हूँ। वो श्वेता और दिस श्वेता, आपको ये करा दिया था मैं फॉर लूप में, अभी करके दिखाता हूँ। श्वेता ही नहीं पूरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक। देखो श्वेता भी एरर है इसमें, ये क्या बी की एरर है, बी है ही नहीं, मैंने जानबूझ के किया। क्यों जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, वही तो बता रहा हूँ दोस्त, देखोगे तभी तो। एक मैंने फॉर लूप लगाया इंटीजर आई को कहाँ से स्टार्ट करते 65 पे, क्योंकि मैं जानता हूँ 65 पे क्या है, ए है, और 65 प्लस 26 कितना होता है जी, हाँ 65 प्लस 26 90 होने लगा, 65 और 26 जोड़ना नहीं आ रहा, देखो 65 और 25 जोड़ते हैं, 65 और 5 70, 70 और 20 90, 90 और 1 91, ठीक है प्रिंट करा लेते हैं किसको, आई को, पर इस आई से हम कह रहे हैं कि आप कन्वर्ट हो जाओ किसमें, कैर में, प्रिंट करके देखें। अच्छा एलन नहीं करते, एलन करेंगे तो बहुत लंबी लाइन सी आ जाएगी ना, बस इसको क्या करते हैं भाई ऐसे कर, देखें क्या हो रहा है, ये क्या हो गया भाई, ए से लेके जेड तक प्रिंट हो गया ना, देखो नहीं इक्वल नहीं लगाना,
एक हमने देखो कहाँ से स्टार्ट कर दिया गलती से, 65 से तो स्टार्ट किया है, 91 तक चलाना था, तो एक एक्स्ट्रा ले लिया ना उसने, देखो एक एक्स्ट्रा लिया ना, हाँ अब रन करेंगे, अब नहीं लेगा एक्स्ट्रा, कहाँ लिया इसने एक्स्ट्रा, जेड तक लिया ना, देखो समझ गए, इसको ऐसे भी चलाया जा सकता था, कैर आई इज इक्वल टू 65, आई इज लेस देन, और ये सब कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर कास्टिंग वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही करा देते वो तब भी चल पड़ता, क्लियर है, ये दिया था आपको बहुत दिन पहले, नहीं दिया था, क्लास में जिस दिन फॉर लूप करा रहा था और उसमें मैं स्टार स्टार प्रिंट करा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था, आपने सोचा कि छोड़ो अभी तो यहाँ चेक वेक करेंगे नहीं, ये क्या करें अब हम, कैर ना यूज करें तो क्या करें, इंट करें, इंट करें इंट, तो भैया फिर तो 65, 66, 67, 68 कर देगा ये लोग, ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ऐसे मत कहो भाई, आस्काई कोड कई बार बता चुका हूँ, यहाँ तक क्लियर है, हाँ 65 पे कैपिटल ए होता है, अगर यही काम मैं करता 97 से, किससे 97 प्लस 26 26 कितना होता है 123, तो आपको पता है स्मॉल लेटर वाली एबीसीडी आ जाती, अभी तो नहीं आई क्योंकि हमने इसको केयर नहीं किया, अब जब आ जाएगी तो स्मॉल लेटर वाली एबीसीडी आ जाएगी, देखो लास्ट में क्या आया जेड, वो भी स्मॉल वाला, ठीक है, हाँ 02, हाँ तो 02-09 करा सकते हैं हम, 02-09 का एक कोड देखना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं, आई थिंक 48 भी शायद स्टार्ट होता है ना, देख लेते हैं एक बार करके, देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं इसको करता हूँ, हाँ 48 करता हूँ और इसको करते हैं कैर, तो देखें क्या आया जी, 0 आया, वेरी गुड, 48 पे 0 है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 आप जोड़ ही सकते हैं, क्लियर है, मैं यहाँ पर अगर 48 स्टार्ट करता हूँ और 123 तक चलाते हैं, तो देखें क्या क्या आया, जितने भी सिंबल मिलेंगे तो सारे दे देगा, दिख रहे हैं, देखो बीच में ये भी आए, इन्हें भी दे दिया उसने, इसके बाद पहले ये भी आए, इन्हें भी दे दिया, जो भी सिंबल मिलेगा उस, नींद आ रही है, जो भी सिंबल मिलेगा वो सारे के सारे सिंबल प्रिंट कर दिया, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, आपको मैंने डेटा टाइप्स भी करा दिए, लिटरल्स भी करा दिए, लिटरल्स के अंदर आपको वैल्यू रखनी भी बता दी, लेकिन फिर दोबारा एक बार एक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको लिटरल्स वाली बात फिर समझ में आ जाए, ताकि आप ये ना कहें कि लिटरल्स होता क्या है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10 जो मैंने लिखा है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10 जो मैंने लिखा है, ठीक, 10 नहीं चलेगा इसमें, कंट्रोल प्लस नहीं चलता है, चला ठीक है, स्निपिंग टूल ले लेते हैं, स्निपिंग टूल न्यू पे क्लिक करते ही जितना पिक्चर आप काटना चाहते हो उतना कट जाएगा, टेस्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका, इसका सीखते रहो, जब जब बता रहा हूँ चीज़ें, ये सारे टूल्स यूज़ होंगे आपके, ठीक, पेंट ब्रश बहुत यूज़ होता है, जब हम अपनी बात किसी को पिक्टोरियल समझाना चाहते हैं, पिक्चर वाइज समझाना चाहते हैं, तब आपका चलता है ये सब बातें, क्लियर है, इंटीजर ये क्या है, ये सॉरी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, सबके बारे में लिखें, ये क्या है जी, डेटा टाइप,
ठीक है। अच्छा ये क्या है जी? वेरिएबल। वेरिएबल कैन बी चेंज, चेंजेबल, कभी भी चेंज कर सकते हो। ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर या इनिशियलाइजेशन, इसे क्या हम बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर या इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक, क्लियर है? थोड़ा सा नीचे कर दें, हौच पौच हो जा रहा है, यहाँ रख देते हैं इसको, ठीक। ये क्या है? लिटरल, यही तो लिटरल है। हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लिटरल, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट। और ये क्या है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट, क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर किसकी? लिटरल की। तो लिटरल क्या है हमारा? शेप नहीं आती इसके अंदर, शेप, शेप इंसान, ये रही तो शेप, हाँ ये रही शेप। हम बात करेंगे इतने पार्ट की जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं लिटरल्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। अभी भी किसी को कोई इशू हो इन तीनों चीज़ में तो पूछ सकते हो, और जब मैं पूछूंगा या कोई और पूछेगा तो ऐसा मत कहना कि ये तो हमें पहली बार ही देखने को मिल रहा है। अर्जुन, शकीर, पूजा, हाँ डाउट किसका है बताओ, पूछो ना, डाउट के लिए तो बैठे हैं। बताया ना केस सेंसिटिविटी लिटरल्स के केस में काम नहीं कर पाएगी। लिटरल्स में देखो, अभी देखो ये मेरा प्रोग्राम आया, हाँ ये देखो हेक्साडेसिमल में जीरो एक्स से लिखता था ना, स्मॉल एक्स भी लिख दूँ चाहे कैपिटल एक्स लिख दूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है कोई फर्क? अगर मैं यहाँ पर इसको बीफ लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं यहाँ पर बीफ लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही वैल्यू देगा, दोनों का एक ही रिजल्ट देगा। केस सेंसिटिविटी है यहाँ पर ये नहीं है ना, तो यहाँ केस सेंसिटिविटी खत्म हो जा रही है उसकी। अगर मैं यहाँ कहता हूँ इससे कि भाई साहब आप डबल हो, डबल हो, और इससे कहता हूँ 1.6 और डी, ये डी स्मॉल में लिख दूँ चाहे कैपिटल में लिख दूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, केस सेंसिटिविटी ख़त्म ना। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ केस सेंसिटिव नहीं है, वैसे जावा केस सेंसिटिव है, देखो करके। क्या मैं डबल का ये ई कैपिटल कर सकता हूँ? कह देगा खुद, कह देगा कि भैया ये क्या है मैं नहीं जानता, आ रहा है समझ में? मैं अगर इस void का आई कैपिटल कर दूँ कह देगा भैया हम नहीं जानते क्या है, क्लियर है? लेकिन मैं अगर इस मेन का एम कैपिटल कर दूँ तो क्या एरर आएगी? नहीं आएगी। कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपाइलर तो ये देखेगा मेथड तो है ना, लेकिन रन टाइम पे, रन टाइम पे जो आपका मशीन है उससे फ़र्क पड़ता है। वो तो कहेगा मेरा JVM जो कहेगा, क्या कहेगा? मुझे तो भैया वही वाला मेन मेथड चाहिए जो मुझे बताया गया है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू? सब क्लियर है? लिटरल समझ में आ रहे हैं? अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वापस उसी पे आ जाते हैं, ठीक। हेक्साडेसिमल, देखो तीन तरीके के लिटरल होते हैं हमारे पास, बस कौन कौन से? डेसिमल और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। क्या है? डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और अगर बुलियन की बात करते हैं तो ट्रू फॉल्स, ठीक। बुलियन की बात करते हैं तो ट्रू फॉल्स, ठीक। हाँ नल जो है आपका इसमें नहीं है ना, नल इज डिफरेंट थिंग, वेदर वी आर डिक्लेयरिंग अ क्लास एंड वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट। अगर हम क्लास बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे तब वो नल का यूज़ करेगा। मैं जब क्लास बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा तब वहाँ बताऊंगा आपको ये नल कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक। जब आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बताऊंगा तब नल का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा आपका, ठीक।
एरे के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है वो बताऊंगा कब आती है नल। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू क्लियर है? yes. समझ में आ रहा है? yes. कोई इशू? क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ 140,545, क्या लिखना चाह रहा हूँ? 140,545, क्या ये 140,545 लिखा है? नहीं, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। तो हमें गणित ने कुछ बताया है ना, कॉमे लगाओ और पहचान कर लो, ऐसे बताया है ना गणित ने, पर ये कॉमे ये तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। ये कह रहा है भैया कॉमे मैं नहीं जानता। गणित में तो हम कॉमो से पहचान जाते हैं कि वंस टेंस हंड्रेड, फिर उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार दस हज़ार, लाख दस लाख, करोड़ दस करोड़, ऐसे ही चलता है ना। तभी दो दो के चलते हैं बाद में पैर, इकाई दहाई सैकड़ा तक तो तीन चलता है, फिर दो दो के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हज़ार दस हज़ार, लाख दस लाख, करोड़ दस करोड़, इस तरह तो चलता है, और कुछ तो तीसरा नहीं आता, इसलिए वो दो दो पे चलता है, चलता है ना। पर यहाँ पे हमें अगर कोई लंबी वैल्यू लिखनी हो और एक प्रोग्रामर के नाते कोई हमसे कहे बताना जरा पढ़ के क्या लिखा है, क्या हम पढ़ पाएंगे? वहाँ हम गिनती करना शुरू कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो क्या यहाँ कैसे पहचाने? यहाँ भी जावा ने हमें कुछ दिया है, कॉमा की जगह अंडरस्कोर लगा दो तो वो आपको पहचान करा देगा। लेकिन अगर आप जब प्रिंट करोगे तो ये अंडरस्कोर को इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ वैल्यू से मतलब है, वो आपको पहचान करने के लिए बताया, बस अंडरस्कोर इग्नोर मार देगा, आपकी पहचान के लिए है वो, कि वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, और लैक्स टेन लैक्स, कॉमा की जगह क्या लगा देंगे? अंडरस्कोर। ये लिटरल में ही है बस, पता चल सब में लगाना शुरू कर दो, केवल लिटरल्स में। ठीक है, क्या ये वाली चीज़ मैं पॉइंट वाली वैल्यू में भी कर सकता हूँ? देखें ये देखो, पॉइंट वाली वैल्यू में भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू, कुछ पूछना है? नहीं पढ़ते, लेकिन वैसे क्योंकि पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू कभी भी इकाई दहाई करके नहीं पढ़ी जाती, हाँ वो सीधे सीधे वैसे ही पढ़ी जाती है। लेकिन पहचान करने के लिए, प्रोग्रामर को ईज करने के लिए, उसने ये फैसिलिटी पॉइंट वाली वैल्यू के साथ भी दी है कि आप उसको पेयर्स में डिवाइड कर दो और अपने आप ही पहचान करते रहो। पर लिखेगा थोड़ी आउटपुट में, और कैलकुलेशन भी जब मैं कराऊंगा, देखो जब मैं कैलकुलेशन भी कराऊंगा प्लस वन करा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस भी कर देगा। देखो अभी क्या आएगा, 545 की जगह 546 हो जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस वो आपको सिर्फ पहचान कराने के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर दे दी। लिटरल्स आपके ख़त्म मेरी तरफ से, अब आप पढ़ो या मत पढ़ो ये आपके ऊपर है। ठीक है, कोई भी अगर आता है आपसे पूछने, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करो, क्योंकि भाई देखो आप अगर नए आने वाले टीचर से ऐसा कहते हो कि ये नहीं आ रहा, तो वो भी यही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, टाइम किसका वेस्ट होगा? टाइम मेरा वेस्ट नहीं होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, यस यस, क्लियर है? लिटरल्स में जितना पढ़ाया जा सकता था मैंने आपको सब पढ़ा दिया, आपको पता होनी चाहिए लिटरल्स कौन सी चीज़ होती है। वेरिएबल के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगने के बाद जो साइड में यानी कि राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यू होती है, वो प्रीमिटिव डेटा टाइप की अगर बात कर रहे हैं तो वो सब क्या है? लिटरल्स। नॉन प्रीमिटिव की नहीं मैंने बात करी अभी तक, कभी नॉन प्रीमिटिव वालों को लिटरल मान लो, 10 लिटरल है, 10 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लिटरल्स कैन नॉट बी चेंज। आप चाहो तो यहाँ अपने हाथ पे 10 लिख के एक एयरलाइन का टिकट कराओ, अमेरिका जाओ, वहाँ के बंदे से पूछना भाई क्या लिखा है, वो 10 ही बताएगा, कॉन्स्टेंट है वो, हाँ सब जगह 10 10 ही रहने वाला है, सब जगह 5 5 ही रहने वाला है, चाहे छोटी दुकान हो वो भी 5 ही मानेगा उसे, चाहे बहुत बड़ी दुकान हो वो भी उसे 5 ही मानेगा। लेकिन x एक ऐसी वैल्यू है वेरिएबल जो कभी आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो जा सकती हो। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? लिटरल्स आपके ख़त्म, लिटरल्स आपके ख़त्म। आगे मैं जो कराऊँगा आपको
एरे कराऊंगा, ठीक, एरे कराऊंगा। एरे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एरे का यूज़ आपका ऑटोमेशन में भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, क्लियर है। यहाँ तक बंद करते हैं इसको।